हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ ZXWU। पहले तो बात करेंगे ZXWU होता क्या है। ZXWU फ्रेंड्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम आईफोन रिपेयरिंग के सारे फॉल्ट्स को फाइंड कर लेते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये आईफोन रिपेयरिंग का गूगल मैप है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली अपने फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पे ये ZXWU ऑलरेडी खुला हुआ है। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे सारे इसके मॉडल्स दिए हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ आईफोन का ही सब सारी ट्रेसिंग नहीं दी हुई, इसके अंदर ओप्पो, वीवो, सैमसंग ऐसे बहुत सारे मॉडल्स की ट्रेसिंग दी हुई है। बट ये इतनी एग्जैक्ट तरीके से नहीं दी हुई कि हम जैसे हम इसमें आईफोन को रिपेयर कर सकते हैं वैसे नॉर्मली हर मॉडल को हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर हमारे पास कोई आईफोन आता है तो हमने इस आईफोन सीरीज़ को ओपन करना है तो ये सारे मॉडल्स हमारे खुल जाएंगे। ये देखिए 7, 7 Plus, 8, 8 Plus और ये हमारा एक्स आ गया, एक्सएस आ गया, XR आ गया। तो जो भी मॉडल आपके पास आया आप इसकी हेल्प से उसको खोल सकते हो। तो मैं एक बार आपको आईफोन 6 खोल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास अगर आईफोन 6 आता है तो अपने आईफोन AB पार्ट को भी आप खोल सकते हो और पॉलीगन को भी खोल सकते हो। अगर आपको स्कीमेटिक्स चलाना आता है तो आप पॉलीगन खोल सकते हो, अगर आपको स्कीमेटिक्स चलाना नहीं आता तो आप AB पार्ट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पे इस ZXWU को चलाने के अलग सारे टॉपिक्स पे नई नई वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मैं पॉलीगन की वीडियो भी बनाऊँगा आपके लिए और AB पार्ट की भी बनाऊँगा। तो पहले इसके बेसिक्स जो रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सपोजिट आप बिगनर हो तो आप 6 में इस AB पार्ट को ओपन करोगे तो ये देखिए हमारे 6 का अभी प्रॉपर डायग्राम खुल जाएगा। ये देखिए, तो ये डायग्राम को आपने पढ़ना कैसे, स्टडी कैसे करना है, उसके पहले आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ हमारे सेट में कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारे सेट में कैपेसिटर्स होते हैं, ये देखिए जहाँ भी CC लिखा हुआ है इस डायग्राम में वो सारे आपके कैपेसिटर्स हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे ये FL, यहाँ देखिए FL लिखा हुआ है और दिखाऊंगा आपको। ये देखिए FL लिखा हुआ है, इसका मतलब है फिल्टर। और हम बात करेंगे DZ, यहाँ DZ लिखा हुआ है तो DZ को बोलते हैं जीना डायोड। उसके बाद हम बात करेंगे कॉयल की, जो लाइट में आईफोन रिपेयरिंग की लाइट में बहुत काम आती है। ये देखिए जहाँ भी L लिखा है आपके सेट में ये आपकी कॉयल होती है। कॉयल आपकी दो तरह की होती है, एक बक कॉयल होती है और एक बूस्ट कॉयल होती है। तो फ्रेंड्स ये मैं जो ZXWU का टॉपिक है एक सीरीज़ के टाइप में बनाऊंगा, हर एक वीडियो में अलग अलग आपको नॉलेज देता रहूंगा। तो अभी सिर्फ बेसिक सी नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपने कैपेसिटर का रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है और आपके FL का काम क्या होता है। तो अभी फिलहाल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो और कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ R लिखा हुआ है, तो ये होते हैं रजिस्टर। एक हमारे सेट में, मैं एक बार दोबारा से शुरू करता हूँ, अगर जहाँ C लिखा हुआ है तो वो कैपेसिटर हो गया, जहाँ आपका R लिखा हुआ आ गया तो वो आपका रजिस्टर हो गया। ये देखिए R लिखा आ गया तो ये रजिस्टर हो गया। उसके बाद जहाँ FL लिखा आ गया ये आपका फिल्टर हो गया, जहाँ आपका DZ लिखा आ गया ये आपका जीना डायड हो गया। तो एक होता है डायड, ये देखिए अकेला D लिखा आ गया तो ये आपका डायड होता है। तो ये हमारी कंपोनेंट्स की नॉलेज थी फ्रेंड्स। और भी आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए जो हमारे जैक्स होते हैं कोई भी, यहाँ J लिखा आता है, ये हमारा चार्जिंग वाला कनेक्टर है, इसको ZXWU की लैंग्वेज में J लिखा आता है। कोई भी जैक होगा, देखिए यहाँ हमारी बैटरी रखती है ये वाला कनेक्टर है तो इसमें J लिखा होगा। और ये देखिए हमारे डिस्प्ले वाले जैक का आगे इस पर J लिखा होगा। और जो भी हमारे IC है, ये देखिए हमारा कोई भी IC हम उठा लेते हैं, जहाँ भी हमारा IC होगा वहाँ पे U लिखा होगा। IC का वैसे तो फुल फॉर्म होता है इंटरग्रेटेड सर्किट, बट आईफोन की टर्मिनोलॉजी में जो लिखा हुआ है U उसका मतलब है यूनिट, वो यूनिट को IC बोलते हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ZXWU की अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स ये जो ZXWU है इसकी आपको मैं कंप्लीट नॉलेज एक सीरीज़ में बना के दूंगा। तो आज हमारा एक पहला टॉपिक था, उसके बाद धीरे धीरे हमारे अगले
टॉपिक्स आते रहेंगे कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसमें हमने टेस्टिंग कैसे करनी है, अपने फॉल्ट को फाइंड कैसे करना है, फॉल्ट को डायग्नोज कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।